मुंह देख लिया उसमें विनेगर बहुत खट्टा होता है ये, कैसा लग रहा है मीठे और खट्टेपन का स्वाद, मजा आ गया ना आपको आज आया। तो हेलो दोस्तों, आज संडे और आज हम आ गए हैं एक नया चैलेंज देके। तो अब आपको चैलेंज जो है वो प्रमोद बीएससी बताएंगे, समझाएंगे। आज बहुत ही अलग यूनिक चैलेंज है, तो आप घर में खेल सकते हैं और बहुत ही मजेदार चैलेंज है, देखते हैं। तो दोस्तों चैलेंज ये है, देखो यहाँ पे 6 नंबर की पर्चियां बनी हुई है, 1 2 3 4 6 लिखे हुए हैं, और यहाँ 1 2 3 4 6 के देखो अंदर क्या क्या है। 1 नंबर पे है पिज्जा पास्ता सॉस, 2nd नंबर पे है किसान जैम, 3rd नंबर पे है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और 4 नंबर पे दूध है, 5 नंबर पे विनेगर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसलिए आपको दिख नहीं रहा, और ये है हमारा किसान क्या केचप टमाटो सॉस है। तो ये है बिस्किट। तो अब आपको पता ही है कि क्या करना है, तो पहले मैं उठाऊंगा पर्ची या फिर हम कुछ भी उठाएंगे पर्ची, तो पर्ची में जो नंबर निकलेगा वो मटेरियल डिप करके और बिस्किट को खाना है। तो देखिए दोस्तों अभी देखते हैं क्या होता है चैलेंज में। तो दोस्तों अब अंकुश भैया की पारी सबसे पहले, तो अंकुश भैया सफल करके उठाइए एक पर्ची। हाँ, तो पहले ऐसे घुमा के फेंकिए और ये पर्ची उठा ली अंकुश भैया ने। तो देखिए दोस्तों क्या है, 2 नंबर। अरे 2 नंबर बच गए अंकुश भैया। उठाना है और क्या है, ये अजीब सा लग रहा है। जैम तो जैम है यार, जैम में क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अंकुश भैया का है जैम, तो अंकुश भैया सबसे बढ़िया चीज में है और खा लिया है, कोई टेंशन नहीं हुई है। चलो तो अब अगली बारी मेरी है, देखते हैं। तो अब है प्रमोद भैया की बारी। प्रमोद भैया कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, ये चैलेंज सीधा सीधा हो गया, इसमें जीतने हारने वाला सिस्टम ये ना, जो करेगा खेलेगा खाएगा। चलिए तो देखिए दोस्तों, मैंने पर्चियां फेंक दी है, तो एक पर्ची उठा रहे हम और आया है 6 नंबर। 6 नंबर यानी कि सॉस, 6 नंबर यानी सॉस। तो फिर भी चलो बुरा नहीं है, चलिए वो नहीं आया ना, ठीक है। देखिए बिस्किट में आपने कभी सॉस के साथ बिस्किट खाए? हम खाने प्रमोद भैया खाएंगे आज। कैसा लगा आपको? मजा आया? मजा है, बिल्कुल मजा है। तो चलिए दोस्तों अब बारी, एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड अंकुश भी आ रहे हैं। तो दोस्तों राउंड 2 हो चुका है स्टार्ट, तो अंकुश भैया सफल कीजिए और फेंकिए। हाँ चलिए उठाइए एक पर्ची। तो अंकुश भैया की पर्ची में नंबर आया है 4। 4 नंबर पे दूध है, बच गए अंकुश भैया। यार आज इस बार अंकुश भैया को क्या हो गया, जीते जा रहे हैं देख लीजिए दोस्तों। हाँ वैसे अंकुश भैया को दूध पसंद नहीं है, बढ़िया है, इनके लिए सजा है दूध वाली। तो चलिए राउंड 2 में मिलते हैं। हमारी 2 शुरू हो चुका है, मेरे एक बार आया किसान जैम और दूसरी बार आया दूध। अब प्रमोद भैया के पास क्या आता है, देखिए उठाइए उठाइए। क्या आया दिखा ना जरा, 5 नंबर विनेगर पे आ गया, देख लीजिए 5 नंबर है विनेगर, जो आप सोच रहे हो कि ये पानी जैसा क्या है, कोशिश कर रहा था वही आ चुका है। देखो तो देख लीजिए बिल्कुल पानी जैसा है, लेकिन ये विनेगर है, खट्टा बहुत खट्टा होता है ये, कैसा लग रहा है मीठे और खट्टेपन का स्वाद, मजा आ गया ना आपको आज आया आपको मजा। मैं हारे जा रहा हूँ, 2 चले जा चुका हूँ, हारना है इसमें तो ना, हारना है जीतना है। चलिए दोस्तों अब है लास्ट राउंड मेरी बारी, राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है। तब अंकुश भैया सफल कर रहे हैं, उठाइए अंकुश भैया एक पर्ची, देखते हैं अंकुश भैया क्या है। 1 नंबर पिज्जा पास्ता सॉस, अब खाइए आप, आपको मजा आएगा। 1 नंबर थोड़ा सा और लगे। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ज्यादा हो जाएगा। तो अंकुश भैया खा रहे हैं पिज्जा पास्ता सॉस और वो बहुत ही टेस्टी होता है, और बिस्किट के साथ तो मजा आ गया उनको, फाइनली मेरे को थोड़ा आराम मिला है, दिल को सुकून मिला। मुंह देख लिया अंकुश, उसमें विनेगर होता है, आपको मुंह देखने लायक है अंकुश। ये फिनल मतलब आखिरी राउंड, प्रमोद भैया मैच कर रहे हैं मेरे साथ, तो जो आपने देखा ही है मेरा विनेगर से जीता करता, आपने नजर लगा दी ना, मैं जीत रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ, भगवान करे आपके आए लहसुन अदरक। 4 नंबर अब तो बच गए यार, यस इस बार दूध में डिप करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें दूध बहुत पसंद है और ये हमने। तो वाह मजा आया आपको, का स्वाद है। तो दोस्तों देख लीजिए आप अंकुश भैया का मुंह देख रहे हैं, इन्हें बिल्कुल पिज्जा पास्ता सॉस पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट है लेकिन इनके हाल खराब हो चुके हैं।
आज का ब्लॉग बस यही था, और अगर आपको ये पसंद आया चैलेंज तो आज आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे चैलेंज और ये चैलेंज आप घर पे खेल सकते हो। सच में बहुत मजा आएगा, अगर बहुत सारे फैमिली मेंबर हो तो सच में बहुत मजेदार होगा। तो मिलते हैं अगले चैलेंज को संडे को। बाय, गुड नाइट।